हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल एडुसेस, जहाँ पे हम एजुकेशनल सक्सेस के अमलगेमेशन के बारे में बात करते हैं। आज के हमारे वीडियो पर सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 7 विच टॉक्स अबाउट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हमने ये सेक्शन 4 में भी पढ़ा था कि हमारा एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम उसमें कोई कंडीशन नहीं रख सकते। इट शुड नॉट बी कंडीशनल, इट शुड बी एब्सोल्यूट। ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इन टू अ प्रोमिस, हमारे को प्रपोजल को प्रोमिस में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक्सेप्टेंस का दो चीज़ सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है। पहला है कि वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकती कि आप मुझे, जस्ट एग्जाम्पल, पार्टी ए एंड पार्टी बी है। ठीक है, पार्टी ए पार्टी बी को बोलती है कि आप मेरी एक गाड़ी खरीद लीजिए, और पार्टी बी बोलती है कि हाँ मैं आपकी गाड़ी तो खरीदूंगी, मगर आप मुझे उस गाड़ी के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी के कागजात भी देंगे। तो पार्टी बी ने अब उधर काउंटर ऑफर कर दिया। ठीक है, कि अब आपसे मैं आपकी गाड़ी और आपका घर दोनों खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अटैच हो चुकी है हमारे एक्सेप्टेंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्सेप्टेंस इज नॉट एब्सोल्यूट। तो हमारे प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए आर एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, एंड सेकेंड है कि हमारा एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड हमारा किसी यूजुअल या फिर रीजनेबल मैनर में, कोई यूजुअल या रीजनेबल मैनर। तो हमने यही सेक्शन 4 में पढ़ा था कि हमारा यूजुअल रीजनेबल मैनर क्या हो सकता है, कि किसी पोस्ट के थ्रू हो सकता है, किसी ईमेल के थ्रू हो सकता है, किसी टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, या नॉर्मल हमारा जो सिंपल मेथड है, मैकेनिज्म है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मुंह के शब्दों के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, जिसमें हमने भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कॉरपोरेशन 1966 का केस पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि हमारा इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन शुड बी क्लियरली हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द अदर पार्टी इन ऑर्डर टू बी इंप्लीमेंटेड, है ना। तो अगर हमारा किसी रीजनेबल या यूजनल मैनर के थ्रू हो रहा है तो उसको हम एक्सप्रेस मानेंगे। ठीक है, मगर जो अगर हमने कहीं प्रपोजल के अंदर ही ये लिख दिया है कि हमारा यो मैनर है जिसके थ्रू हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने अगर इमेजिन करिए कि आपने उस मैनर के अगेंस्ट जाके कोई और मैनर के थ्रू आपने अपना एक्सेप्टेंस भिजवाया है, मतलब कि अगर मैं अपने प्रपोजल में ये लिख दूं कि अब मुझे आप जो अपना एक्सेप्टेंस देंगे वो मुझे फ़ोन कॉल के थ्रू देंगे, मगर मैंने जो आपको अपना एक्सेप्टेंस दिया वो मेल के थ्रू दिया। ठीक है, मगर जब मुझे आपका एक्सेप्टेंस मेल के थ्रू रिसीव होता है तो मैं उसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं करती। मैं ये नहीं बोलती आपको कॉल करके कि यार आपने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरे प्रपोजल को, आपने मेल के भेजा। अगर मैं ये नहीं करती हूँ, या मैं ये नहीं बोलती आपको कॉल करके कि प्लीज़ मुझे कॉल करिए और फिर मुझे बताइए, कॉल में बताइए कि आपने एक्सेप्ट करा है कि नहीं करा। ठीक है, मैं आपको मेल पर एक्सेप्ट नहीं करूँगी जब तक मैं आपके अनयूजुअल मैनर के थ्रू जो आया एक्सेप्टेंस है। अनयूजुअल मैनर मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो प्रिस्क्राइब नहीं, इसलिए बोल रही क्योंकि मैंने जो प्रिस्क्राइब किया था उसके अगेंस्ट आपने जाके कराया ना। अगर मैं उसे ऑब्जेक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, तो वो कंसीडर होगा एज एन एक्सेप्टेंस। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं होगा। मैं उसको ऑब्जेक्ट कर दूँ तो आपको उसी प्रिस्क्राइब मैनर में करना पड़ेगा जिस प्रिस्क्राइब मैनर में मैंने आपको बोला है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाके किसी और प्रिस्क्राइब मैनर में कर रहे हो और मैं उसे ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो एक्सेप्टेंस ही कंसीडर होगा बाय मी। ठीक है, अब हमारा है सेक्शन 8, जिसमें बोलता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ भी अंडरस्टैंड करेंगे, वो भी आप सुन लीजिएगा। तो इसमें बोला कि हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो किसी कंडीशन को परफॉर्म करने के थ्रू भी करा जा सकता है, या कोई कंसीडरेशन को रिसीव करने के थ्रू भी हो सकता है, कि या तो मैं कंसीडरेशन रिसीव कर लूँ या तो मैं कोई कंडीशन परफॉर्म कर दूँ। ठीक है, तो इसने बोला कि हमारा परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर द रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल। या तो मैं कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर लूँगी या तो मैं कोई कंडीशन परफॉर्म कर दूँगी, तो उसे एक्सेप्टेंस ही कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें केस था हरभजन लाल वर्सेज हरचरण लाल, 1925 का केस था, जिसमें एक लड़का था वो अपने घर से भाग गया था और उसके फादर ने बोला था कि जो भी इसे ढूंढ के लाएगा मैं उसे 500 रुपीज़ दूंगा। तो जो हमारा प्लेंटिफ था उसको वो बच्चा रेलवे ट्रैक पे मिला और उसने ना ये कंटेस्ट किया कोर्ट में कि मुझे इसके अगेंस्ट अपना 500 रुपीज़ चाहिए क्योंकि मैंने बच्चा ढूंढा है। तो ये बोला गया था कि भैया आपने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस मुझे प्रोवाइड ही नहीं करी, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि आप मेरा बच्चा ढूंढ के लाओगे, मगर आपने क्या मुझे एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करी इस चीज़ का कि हाँ आप मेरा बच्चा लेके आ रहे हो। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि नहीं, जो आपका ऑफर था वो ओपन था पूरी धरती के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। ठीक है, वॉज ओपन फॉर द इंटायर वर्ल्ड एंड जो वो ऑफर था इट वॉज केपेबल ऑफ बींग एक्सेप्टेड बाई एनी वन हु वुड कम अक्रॉस एट। ठीक है,
और इट वॉज केपेबल ऑफ बींग एक्सेप्टेड. जो भी बंदा उस कंडीशन को फुलफिल करता, क्या कंडीशन था कि भैया मेरा बेटा ढूंढ के लेके आओ, तो जो भी उस बच्चे को ढूंढ के लाता उसका मतलब ये था कि उसने आपके एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. एंड इट वॉज नॉट नेसेसरीली कंसिडर्ड कि आपको एक्सेप्टेंस को लिख के ही भेजना है या किसी प्रिस्क्राइब मैनर, फोन कॉल, मेल थ्रू, किसी भी थ्रू करना है. उसने कंडीशन फुलफिल करी तो उसे भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. ठीक है, तो ये जो हमारा केस लॉ था ये तीन चीज़ों से इंपॉर्टेंट रिलेट करता है. सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन. ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट जिससे रिलेट करता है दैट इज जनरल ऑफर. ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट दैट इट गेट्स कनेक्टेड टू इज व्हेन कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कमिटेड इट शुड नॉट बी नेसेसरी कि भैया वो बस जो प्रिस्क्राइब मैनर उसमें ही होना चाहिए, वो आप कंडीशन फुलफिल करके भी करे जा सकते हो. ठीक है, एंड द नाइन्थ सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टॉक्स अबाउट प्रोमिसेस, और जो हमारे प्रोमिसेस है वो शुड बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब होता है कोई भी प्रोमिस का एक्सेप्टेंस होगा अगर वर्ड्स में तो उसे एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस कहेंगे. ठीक है, और उस एक्सप्रेस वर्ड्स के अलावा किसी भी अदर फॉर्म में, किसी भी अलग मैनर में अगर आप करते हो तो उसे इम्प्लाइड कहेंगे. ठीक है, इम्प्लाइड मतलब किसी कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, किसी जेस्चर के थ्रू भी हो सकता है, किसी एक्टिविटी किसी के थ्रू भी हो सकता है, किसी कंडीशन के थ्रू. सो इफ इट्स बाय वर्ड्स देन इट इज एक्सप्रेस्ड, इफ इट्स बाय एनी अदर प्रिस्क्राइब मैनर और एनी अदर वे देन द वर्ड्स देन इट इज नोन एज द इम्प्लाइड.